Hello friends, today we will study about the mechanism of respiration of the Pila globosa. जैसा कि हमने पहले बताया है कि mechanism of respiration Pila के body में दो mode में पाए जाते हैं. वैसे यहाँ पर दिया हुआ है Pila have two modes of respiration mechanism. First is the aquatic and second is the aerial respiration. Aquatic respiration और aerial respiration के mechanisms भी इसमें दो mode में पाए जाते हैं. First, we will talk about the figure of the Pila. ऊपर की ओर देख सकते हैं cell है, then opening of siphon, then water surface, then siphon formed by nuchal lobe, and then the at last a foot है सबसे लास्ट में. तो दोस्तों हम अब बात करेंगे mechanism of respiration by two modes. As first is the aquatic respiration takes place by gill and second is the aerial respiration, it is takes place by lung. The first point of aquatic respiration is it takes place during the snail floating at the bottom in water. मैंने यहाँ बताया जा रहा है कि aquatic respiration उस वक्त पाया जाता है जब snail water के बॉटम पे पाया जाता है या बॉटम पे फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है. एंड सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो है टू न्यूकल लोब्स फॉर्म अपर्चर. टू न्यूकल लोब्स फॉर्म अपर्चर, दो न्यूकल लोब्स होते हैं स्नेल की बॉडी में, लेफ्ट न्यूकल लोब एंड राइट न्यूकल लोब्स, यही दो न्यूकल लोब्स पाए जाते हैं. दोस्तों कुछ डायग्रामेटिक तरीके से समझाया गया है, इसे ध्यान से देखेंगे. लेफ्ट न्यूकल लोब फॉर्म अपर्चर, वाटर फ्लो इनवर्ड्स, after circulation of water around gill, water flow out by right nuchal lobes. ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि लेफ्ट न्यूकल लोब जो है वो एक अपर्चर फॉर्म करेगा, वाटर फ्लो करेगा उस अपर्चर से अंदर की ओर इनवर्ड्स, और आफ्टर सर्कुलेशन ऑफ वाटर अराउंड द गिल वाटर फ्लो आउट, और गिल के चारों तरफ उस वाटर, वो जो वाटर इन इनवर्ड्स की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, वो गिल के चारों तरफ सर्कुलेशन करेगा, उसके बाद राइट न्यूकल लोब से होते हुए बाहर की ओर निकल जाएगा. तो ये मैकेनिज्म है एक्वाटिक रेस्पिरेशन का स्नेल की बॉडी में जो गिल के द्वारा हो रहा है. अब हम बात करेंगे इसके एरियल रेस्पिरेशन की जो लंग की मदद से होगा. तो फर्स्ट पॉइंट है कि इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्नेल आइदर इन वाटर और लैंड और ऑन लैंड. माने स्नेल सतह पे जब होगा, जमीन पे या पानी में होगा, तब एरियल रेस्पिरेशन होता है. सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग इनसाइड वाटर स्नेल कम्स टू वाटर सरफेस. मतलब जब स्नेल वाटर में होता है तो वो पानी की सतह पे ऊपर की ओर सरफेस पे चला आता है, और इट्स लेफ्ट न्यूकल लोब फॉर्म ए ट्यूब नोन एज साइफन. तो उस वक्त स्नेल का लेफ्ट न्यूकल लोब जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, जिसे साइफन कहते हैं. और साइफन, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि साइफन प्रोजेक्टेड अबव वाटर सरफेस एंड बाय अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू साइफन. साइफन क्या कर रहा है, तो वाटर सरफेस अबव ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर जा रहा है, बाहर की ओर निकल जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, तो लंग के अल्टरनेट एक के बाद एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन और फैलाव के प्रक्रिया के द्वारा रेस्पिरेशन साइफन की मदद से हो जा रहा है. यहाँ साइफन बाहर की ओर निकल जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट एयर से एरियल रेस्पिरेशन कर ले रहा है लंग की मदद से. तो ये था दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द पाइला ग्लोबोसा, जिसे हम एप्पल